नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। जयपुर नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार होता है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार जी राजस्थान न्यूज सबूतों के साथ बड़ा खुलासा कर रहा है। भ्रष्टाचारियों की जुबानी ही हम आपको सुनवाएंगे कि कैसे ये पूरा खेल चल रहा है। जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का खेल, शहर की नहीं रुपयों की हो रही है सफाई। जन प्रतिनिधियों की ठेकेदारों से साठगांठ, जी राजस्थान न्यूज का बड़ा खुलासा। जयपुर नगर निगम सबसे ज्यादा किसी बात को लेकर चर्चा में रहता है तो वो है भ्रष्टाचार। निगम के किसी काम में करप्शन ना हो ऐसा कम ही होता है। बीट कर्मचारी यानी अस्थायी सफाई कर्मचारियों के ठेकों में बड़े पैमाने पर धांधली होती है। कौन कौन है इस घोटाले में शामिल, इसका खुलासा करने से पहले आपको बताते हैं आखिर कैसे चल रहा है शहर की सफाई के नाम पर लाखों की रकम पर हाथ साफ करने का खेल। बीट्स के ठेके में निगम रोजाना 264 रुपए प्रति कर्मचारी के हिसाब से ठेकेदार को भुगतान दे रहा है, लेकिन इस राशि में से सफाई कर्मचारी के हाथ में सिर्फ 166 रुपए पहुँच रहे हैं। बाकी का पैसा ईएसआई, पीएफ, वर्दी और मास्क के नाम पर काट लिया जाता है, लेकिन ईएसआई का पैसा इन कर्मचारियों को कई सालों से नहीं मिला है। इसी साल मार्च से अस्थायी सफाई कर्मचारियों का वेतन 189 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया, लेकिन ठेकेदार फिर भी कर्मचारियों को पूरा पैसा नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार के इस खेल में और भी कई रास्ते अपनाए जा रहे हैं। ठेकेदार 5000 कर्मचारियों का भुगतान उठाता है, लेकिन हकीकत में 2000 कर्मचारी भी नहीं होते। सुबह शाम वही कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन ठेकेदार अलग अलग दर्शाता है। इस घोटाले में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। भ्रष्टाचार का ये खेल हम आपको खुद भ्रष्टाचारियों की जबानी सुनवाएंगे, साथ ही बताएंगे आपकी मेहनत की कमाई किसकी जेब में जा रही है और कौन आपके शहर को सफाई के नाम पर गंदा कर रहा है। अरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत और स्वच्छ भारत का सपना देखा। कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन इन सपनों को कोई और नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि ही तोड़ रहे हैं। सफाई के नाम पर जमकर हो रहा है भ्रष्टाचार। सफाई के नाम पर गंदा खेल, दोनों हाथों से रुपयों की लूट, कैसे साफ होगा करप्शन का कीचड़, कैसे पूरा होगा विकास का सपना। जयपुर नगर निगम के दो सफाई चेयरमैन की बात सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शहर क्यों नहीं बनता साफ सुथरा, क्यों नहीं होता शहर का विकास, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको ये बातचीत सुनकर मिल जाएगा जो सालों से आपके मन में उठ रहे हैं। नगर निगम के सफाई चेयरमैन प्रकाश गुप्ता और सफाई चेयरमैन दिनेश अमन नगर निगम में भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी के फोन कॉल रिकॉर्डिंग ने दोनों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। जरा सुनिए आप भी। अरे वो बात कर रहा था अमित कुमार, आप उठा नहीं रहे क्या फोन? हाँ अमित कुमार बात कर रहा था, आप फोन नहीं उठा रहे क्या? फोन कहा उसने किया है, कहा तो उसने किया बताया, बोलो उठा नहीं किया तो भूल गया था नंबर। अभी करता हूँ मैं, इसी फोन से करूंगा यार, वो उस फोन पे मैं बात नहीं करूंगा यार ज्यादा। हाँ तो इससे कर लो तो। हाँ इससे करता हूँ, अभी मैं इससे कर रहा हूँ। कर लो और सुनो बता के क्या बात, बात को घुमा फिरा के करना ऐसे बात फोनों पे मत करना। नहीं नहीं वो तो मैं उसको बुला के बात करूंगा, ठीक है ना? हाँ ऐसे नहीं अपन फालतू जबरदस्ती में दोनों भाई। अजी इसमें बहुत ऊंची ऊंची स्तर पे चलता है मामला, ये तभी तो कह रहा हूँ। नहीं तो अपन तो कोई सफाई के लिए बात कर रहे हैं, वैसे थोड़ी करेंगे यार। नंबर मांगे वैसे भी, मैं उसको नंबर दे देता हूँ, आप ये वाले नंबर दे दो। हाँ ये दे दो, आप ये नंबर दे दो मेरे, ठीक है। तो सुना आपने कैसे सफाई चेयरमैन प्रकाश गुप्ता स्पेशल नंबर से दूसरे सफाई चेयरमैन दिनेश अमन से बातचीत करता है। दिनेश अमन प्रकाश गुप्ता को बीट्स के ठेकेदार से बात कराने को कहता है। ये हिदायत भी देता है कि इस मामले में ज्यादा बातें फोन पर मत करना,
और जो भी बात करो वो घुमा फिरा कर करना। ये तो एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आगे आपको सुनाएंगे कैसे होती है घूस की डील, साथ ही बताएंगे और कौन कौन शामिल हैं इस गंदे खेल में। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्यों जयपुर साफ नहीं हो पा रहा, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, जयपुर का साफ होना ना होना एक दूसरा विषय है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है वो एक दूसरा विषय। बार बार निगम इस बात का रोना रोता है कि बजट की कमी है, पैसा है नहीं, लेकिन जो पैसा है उसमें भ्रष्टाचार कितना, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे जिन लोगों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है साफ सफाई की, वो खुद ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, तो फिर अब उम्मीद की तो किससे जाए। ये अहम सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो बातचीत अब से कुछ देर पहले आपने सुनी वो इस बात को स्पष्ट कर रही है, साफ कर रही है कि ये दो सफाई चेयरमैन अपनी बातों में इस चीज का खुलासा खुद ही कर रहे हैं कि हालात क्या हैं। तो आप इस चीज को मान के चलिए कि जयपुर तो साफ होने से रहा, यानी बार बार इस चीज का तर्क भी दिया जाता है, कहा भी जाता है कि साहब पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी आने भी नहीं दी जाएगी। बार बार ये भी कहते हैं कि और सुदृढ़ बनाओ साहब निगम को, निगम को और पैसा मिलना चाहिए। अब अगर और पैसा मिलेगा तो निगम करेगा क्या, उसका भी भ्रष्टाचार करेगा। ये अहम सवाल जी राजस्थान न्यूज पूछ रहा है, जी मीडिया पूछ रहा है, जवाब हम लेंगे और जवाब निगम को देने होंगे कि आखिर क्या आंख बंद करे बैठे हैं या फिर सब जानते हुए भी चुप हैं, या फिर मिलीभगत है और या फिर जानकारी नहीं है। और चलिए सीधे रुख करते हैं जयपुर का, वरुण भंसाली जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण का रुख करते हैं। वरुण, क्या कुछ चल रहा है निगम में, यह पर्दा जी राजस्थान न्यूज ने उठा दिया, यह सच निकल करके सामने आ गया। मुझे एक चीज जरा समझाइए, जब ये दोनों बात कर रहे थे तो इस बात को आम आदमी समझे कैसे, ये कहना क्या चाह रहे थे, करना क्या चाह रहे थे और उससे आम आदमी का नुकसान कैसे था। देखिए, ये साफ तौर पर बताता है कि निगम में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। आज तक सिर्फ बातें होती थी, सिर्फ आरोप लगते थे, लेकिन आज पर्दाफाश हुआ है। ये जो ऑडियो लीक हुआ है इससे काफी कुछ चीजें साफ हो रही है। मैं आपको इस भ्रष्टाचार की पूरी पृष्ठभूमि बताता हूं। जयपुर की जो पूरा शहर है, उस पूरे शहर की सफाई केवल स्थायी सफाई कर्मचारियों के भरोसे नहीं हो सकती, इसलिए इसे अस्थायी सफाई कर्मचारियों को दिया जाता है। और इस पूरी अस्थायी सफाई कर्मचारियों की जो व्यवस्था है उसका ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट में यह कहा गया है कि निगम हर सफाई कर्मचारी को तकरीबन 264 रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिदिन देता है, जिसमें से उस कर्मचारी के हाथ में 166 रुपए प्रतिदिन प्रति कर्मचारी आते हैं और बाकी पैसे उसके पीएफ, उसके ईएसआई, उसकी वर्दी, उसके जूते, उन सारी चीजों में काट लिए जाते हैं। अव्वल बात तो यह कि ईएसआई पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा, जिसके लिए बहुत लंबी लड़ाई हो रही थी, वहां से भी भ्रष्टाचार होता है। दूसरी बात यह कि वर्दी भी बहुत लोगों के पास नहीं होती, उसका भी, उस पैसे का भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तीसरी बात यह कि 5000 कर्मचारी दिखाए जाते हैं पेपरों में, 2000 भी जमीन पर नहीं होते, उस पैसे का भी भ्रष्टाचार होता है। और चौथी बात यह कि यह सारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, इनका पैसा दिया जाता है इन जनप्रतिनिधियों को, जो अभी हमारे ऑडियो टेप में बात करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे, कॉल में बात करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे, ताकि उस ठेकेदार का काम ऐसे ही चलता रहे, उस पर सवाल कोई ना उठाए, इसलिए ये पैसा उनको दिया जाता है और इस पैसे का भ्रष्टाचार किया जाता है। यानी कि जो जमीन पर सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को कारगर बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, उस सफाई कर्मचारी के पैसे में ही घपला किया जा रहा है। और घपला कौन कर रहा है? जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि खुद, जिन पर जनता ने जिम्मेदारी दी है, जिन पर जनता ने भरोसा किया है कि वो हमारे शहर को साफ करेंगे, जो हमारे शहर का रखरखाव करेंगे, लेकिन वही जो है जनता की गाड़ी कमाई के पैसे में सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। आप साफ तौर पर इस ऑडियो में जो अनिल शर्मा और सफाई चेयरमैन अनिल शर्मा और प्रकाश गुप्ता की बात हो रही है, उसमें साफ तौर पर सुन सकते हैं प्रकाश गुप्ता यह कह रहा है कि 1,00,000 रुपए देने की ही बात कर रहा है वो, जो कि कम है। तो अनिल शर्मा उसके जवाब में कहता है जो पैसे आ रहे हैं वो तो ले लो, बात
बात का बाद में देखेंगे और महापौर से इनका डिफरेंस अमाउंट बढ़ाने को कहेंगे जिससे हमें ज्यादा पैसे मिले। साफ तौर पर यह ऑडियो लीक हुआ है और यह ऑडियो में साफ तौर पर आवाज सुनाई दे रही है। जो इन लोगों को जानते हैं, जो इन लोगों को सुनते हैं, वो साफ तौर पर इस आवाज को पहचान पाएंगे और यह पूरी तरह से साफ जाहिर हो रहा है कि किस कदर जमीनी जो जमीन पर भ्रष्टाचार हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और सफाई व्यवस्था का बदहाली का ये कैसे सबसे बड़ा कारण है और क्यों ये जनप्रतिनिधि जो हैं वो इस तरह से सेंध लगा रहे हैं जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को, ये साफ तौर पर इन ऑडियो टेप्स में सामने आ रहा है। जी वरुण, ये चीज जानना चाहूंगा मैं, बहुत जरूरी भी है, क्या महापौर को निगम के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती या फिर आंखें बंद कर लेते हैं? अब ये कोई नई चीज तो है नहीं, सबको पता है, ओपन सीक्रेट है। आज जी राजस्थान न्यूज ने बस पर्दा हटा दिया है, सबके सामने ला दिया है। ऐसा नहीं है कि आज तक होता नहीं आया था, बस इसके सबूत नहीं थे, साक्ष्य नहीं थे, हम साक्ष्य भी दे रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं। क्या अब तक किसी को पता नहीं था? और अगर पता था तो कार्रवाई की क्यों नहीं? ये तो जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे ना। देखिए राहुल, जब निगम में सुबह से अगर आप निगम को देखते हुए खड़े होंगे और शाम तक वहां पे खड़े रहेंगे तो वहां जितने लोग आ रहे हैं काम करने के लिए अपनी पीड़ा लेकर या जैसे भी किस्म के जितने भी लोग आ रहे हैं, सबको ये सच पता है कि निगम में भ्रष्टाचार होता है, निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर चीज के लिए पैसे लिए जाते हैं। ये सच में एक ओपन सीक्रेट है, लेकिन आज हमने इस ओपन सीक्रेट का पर्दा पूरी तरह से फाश किया। और दूसरी बात ये कि इस भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं जड़ जो है वो सिस्टम ही उगाता है। आप साफ तौर पर देखें कि एक तरफ केंद्र के जनप्रतिनिधियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होता है, अधिकारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होता है, एमएलए की तनख्वाह बढ़ती है और पार्षद को दिया जाता है 3500 रुपया महीना। और ये जो 3500 रुपया महीना उनको दिया जाता है तो ये साफ तौर पर सोचने की और कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्शन में इतना पैसा खर्च करके कोई जीत कराता है तो 3500 रुपया कमाने के लिए तो नहीं ही आता है। तो इस ये भ्रष्टाचार करके वो पैसा कमाया जाता है और इस तरह से ये भ्रष्टाचार होता है। ये भ्रष्टाचार की जड़ है, सिस्टम को भी सुधरने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ इन जनप्रतिनिधियों को जो भरोसे पे आए हैं जनता की, उनको भी सुधरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो पैसा लूट रहे हैं उन सफाई कर्मचारियों का जो 166 रुपये महीना, 166 रुपये प्रतिदिन उनको दे रहे हैं जो कि एक दिहाड़ी से भी कम है, उनका पैसा लूट कर वो अपने भ्रष्टाचार की जेबें भर रही है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ा गोरख धंधा जयपुर नगर निगम में चल रहा है। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद निश्चित तौर पर जयपुर नगर निगम के प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ बड़ा एक्शन होना चाहिए, नहीं तो वाकई जयपुर का विकास, एक जयपुर के विकास पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। जी राहुल। वरुण, मैं आपके पास में आऊं, एक बार दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं वो कॉन्वर्सेशन, वो बातचीत जो इन दोनों के बीच हुई, जो बट्टा लगा रही है और जो सच बता रही है कि आखिर आपके जेब का पैसा जो नगर निगम के पास पहुंच रहा है उसका हो क्या रहा है, ये देखिए और सुनिए। अरे वो बात कर रहा था अमित कुमार, आपको उठा नहीं क्या फोन? हाँ अमित कुमार बात कर रहा था, आप फोन नहीं उठा रहे क्या? फोन कहा उसने किया है, कहा तो उसने किया बताया उठाने, अभी करता हूँ मैं, इसी फोन से करूंगा यार, वो उस फोन पे मैं बात नहीं करूंगा यार ज्यादा। हाँ तो इससे कर लो, तो हाँ इससे करता हूँ अभी, मैं इससे कर रहा हूँ, कर लो कर लो। और सुनो बचा के बात बात को घुमा फिरा के करना, ऐसे बात फोनों पे मतलब? नहीं नहीं, वो तो मैं उसको बुला के बात करूंगा, ठीक है ना? हाँ ऐसे नहीं, अपन फालतू जबरदस्ती में दोनों भाई बता रहा हूँ इसलिए। अभी इसमें बहुत ऊंची स्तर पे चलता है मामला, ये भी तभी तो कह रहा हूँ। नहीं तो अपन तो कोई सफाई के लिए बात कर रहे हैं, कोई वैसे थोड़ी करेंगे यार। नंबर मांगे वैसे भी, मैं उसको नंबर दे देता हूँ, आप ये वाले नंबर दे दोगे? हाँ ये दे दो, आप ये नंबर दे दो मेरे, ठीक है। वरुण हमारे साथ जुड़े, वरुण संक्षेप में जानना चाहूंगा, ये सुनने देखने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या ये नहीं कहें कि अब शक किया जाना चाहिए, डाउट किया जाना चाहिए उन अधिकारियों पर भी, उन नेताओं पर भी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है? अब तो कार्रवाई करें, अब तो जागें, अब तो उठें, अब तो सच रख दिया सामने।
देखिए राहुल, जयपुर पूरे शहर को तीन भागों में बांटा गया है और तीन भागों की जिम्मेदारी तीन जनप्रतिनिधियों को दी गई है जिन्हें समितियों का चेयरमैन बनाया गया है। सफाई को तीन भागों में बांटकर चेयरमैन बनाया गया है। एक के दिनेश अमन है, दूसरे के प्रकाश गुप्ता है और तीसरे के अनिल शर्मा है। अभी जो बातचीत हमने दिखाई वो चेयरमैन प्रकाश गुप्ता और चेयरमैन अनिल शर्मा के बीच में है, जिसमें ये साफ तौर पर बात कर रहे हैं कि ऐसी बातें मोबाइल पर ना किया करें, मेरे मेन नंबर पर ना किया करें, एक अल्टरनेटिव नंबर है उस पर किया करें और ठेकेदार से आप बात कर लें, वो कुछ कह रहा है, ये सारी बातें ऊपर के दर्जे की होती है, ये सारी चीजें इसमें साफ हो रही है और इसमें साफ पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार किस लेवल पर हो रहा है। लेकिन कुछ ही देर में हम एक और कन्वर्सेशन सुनाने वाले हैं जिसमें और भी साफ हो जाएगा, जिसमें पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कितना पैसा लिया जा रहा है और पैसे को लेने के लिए क्या कुछ खेल चल रहा है। बीट्स में भ्रष्टाचार के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शिकायत गई थी और ये शिकायत की थी पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने, जिनका साफ तौर पर एक लड़ाई बहुत पहले से वो लड़ती आ रही थी कि बीट्स के ठेकेदारों का ईएसआई और पीएफ का जो पैसा है वो खाया जा रहा है, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए कई उन्होंने पत्रबाजियां की और पत्रबाजियां की प्रधानमंत्री तक के लेवल पर भी, प्रधानमंत्री से मिलकर भी आई थी, जिसके बाद पीएफ टीम से यहां पर लोग आए थे। तब भी हमने सवाल पूछा था कि जब आप थी तब तो आपने कुछ किया नहीं, जब आप थी तब तो आपने कुछ किया नहीं, अब जब आप बाहर हो गए तब आप ये कह रही हैं। तब हमने ये सवाल उनसे पूछा था, हालांकि तब भी सच उजागर हुआ था, तब कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नए आए थे उनको अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। वरुण आप रहे हमारे साथ।